मॉर्निंग थर्ड क्लास स्टूडेंट्स, ओपन योर हिंदी बुक चैप्टर नंबर 10 पेज नंबर 57। ओके, आज का चैप्टर है हम और हमारा भोजन। इसमें भोजन के बारे में बताया गया है कि हमें किस प्रकार का भोजन खाना चाहिए। यह कहना सार्थक होगा कि स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क निवास करता है। जीवन का पूरा आनंद हम तभी ले पाते हैं जब हम स्वस्थ होते हैं। स्वस्थ रहने के लिए हमें कई बातों का ध्यान रखना पड़ता है। शरीर को स्वस्थ रखने के लिए भोजन, व्यायाम, स्वच्छता, विश्राम, मनोरंजन की अति आवश्यकता होती है। आज हम कुछ खाद्य पदार्थों के बारे में बातचीत करेंगे जो स्वास्थ्य के लिए जरूरी हैं। कहा जाता है, जैसा खाए अन्न वैसा होए मन, अर्थात वैसा ही हमारा, जैसा हम खाते हैं वैसा ही हमारा मन बन जाता है। और जो अन्न खाते हैं वही पचकर हमारे शरीर को शक्ति देता है और हमें स्वस्थ बनाता है। जैसे मशीन को चलाने के लिए तेल की ज़रूरत होती है, वैसे ही मनुष्य को भोजन की आवश्यकता होती है। हमारा भोजन ऐसा होना चाहिए जिसमें सभी पौष्टिक तत्व हों। इन तत्वों से हमारा शरीर हष्टपुष्ट और स्वस्थ रहता है। हड्डियों में ऊपर चर्बी, रक्त और मांस होते हैं। भोजन में इनको पैदा करने वाले सभी तत्व होने चाहिए। अच्छे भोजन में ये सभी तत्व पाए जाते हैं। हमें भोजन में पाए जाने वाले पौष्टिक तत्वों पर ध्यान देना चाहिए। हमारे भोजन में वे सभी गुण होने चाहिए जिनसे हड्डियों को ताकत मिले, शरीर में अधिक रक्त बने, किसी कोई रोग ना होने पाए, हम निरोगी रहकर स्फूर्ति का अनुभव कर सकें। आजकल हम अनजाने में ऐसे खाद्य पदार्थों का सेवन कर रहे हैं जिनमें पौष्टिक तत्व नहीं होते, जैसे जंक फूड। ये तत्व हमारे शरीर के लिए हानिकारक होते हैं। भोजन, पौष्टिक भोजन में 6 तत्वों का होना जरूरी है। ये कौन से तत्व हैं? प्रोटीन, वसा, खनिज लवण, विटामिन, जल और कार्बोहाइड्रेट। कुछ पदार्थ ऐसे होते हैं जिनमें अधिक तत्व होते हैं। हम जो भी खाने योग्य पदार्थ खाते हैं उनमें कोई ना कोई गुण होता है। दूध दही को पौष्टिक भोजन माना जाता है। दूध में ये सभी गुण होते हैं। प्रोटीन शरीर के विकास और टूट फूट की मरम्मत करता है। वसा कार्बोहाइड्रेट से हमारे शरीर को शक्ति मिलती है। इससे एक प्रकार की गर्मी भी प्राप्त होती है। अधिक मात्रा में वसा खाने से शरीर में जमा हो जाती है। जब शरीर में वसा कमी हो जाती है तो यह जमी हुई वसा ही हमें शक्ति प्रदान करती है। इसी तरह विटामिन ए की कमी से आंखें कमज़ोर हो जाती हैं। यह किससे मिलता है? दूध, मक्खन, गाजर और हरी सब्जियों में पाया जाता है। विटामिन बी गेहूं, जौ, चावल आदि में पाया जाता है। यह भोजन पचाने में सहायक करता है। विटामिन सी की कमी से मसूड़े कमज़ोर हो जाती हैं। यह हमें किस में मिलता है? संतरा, नींबू, आंवला आदि खट्टे फलों में विटामिन सी पाया जाता है। विटामिन डी हमारे दांतों और हड्डियों को मजबूत करना है। खनिज लवण हमारे शरीर के विकास में सहायक होते हैं। आयोडीन हमें नमक से मिलता है और लोहा हरे पत्ते वाली सब्जियों से मिलता है। ये सभी हमारे विकास में सहायक होते हैं। विभिन्न प्रकार के प्रोटीन युक्त भोजन ग्रहण करने से रोग नहीं लगते। अलग अलग तरह के फल और सब्जियाँ खाने से हमें रोज नए नए पौष्टिक तत्व मिलते हैं। इनसे रोगों के कीटाणु नष्ट हो जाते हैं। जल से शरीर की सफाई होती है। जल अधिक मात्रा में पीना चाहिए। ये पौष्टिक तत्व दूध, फलों, सब्जियों में पाए जाते हैं। इनका अधिक से अधिक सेवन करना चाहिए। हमें ज़्यादा मिर्च मसाले वाला तला भुला भोजन नहीं करना चाहिए। कटे हुए फल और सब्जियों को ढक के रखना चाहिए। भोजन पर मक्खी और मच्छर इत्यादि को नहीं बैठने देना चाहिए। गंदा, बासी और ख़राब भोजन नहीं करना चाहिए। ये हमारे स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं है। यदि कोई व्यक्ति दिन में कई बार खाने की आदत डाल लेता है तो उससे क्या होता है? आलस बना रहता है। बार बार खाने से मोटापा आने लगता है, कई रोगों को जन्म देता है। भोजन को पकाने और रखने में भी सावधानी रखनी चाहिए। भोजन को अधिक तेज आंच पर नहीं पकाना चाहिए क्योंकि इससे सारे तत्व जल जाते हैं। भोजन साफ बर्तन में हमेशा ढक कर ही रखना चाहिए। अब आप समझ गए होंगे मनुष्य के जीवन में पौष्टिक भोजन का कितना महत्व है। इसलिए स्वस्थ और निरोग
रहने के लिए संतुलित और पौष्टिक भोजन लेना जरूरी है, क्योंकि स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क का निवास करता है। इस चैप्टर में आपने सीखा कि हमें किस तरह का भोजन ग्रहण करना चाहिए और उस पौष्टिक भोजन को ग्रहण करने से हमारे शरीर को क्या क्या लाभ होते हैं, और हमें जंक फूड बिल्कुल भी नहीं खाना चाहिए, क्योंकि कहा गया है स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क निवास करता है। ओके, आप सभी बच्चे इस चैप्टर की अच्छी तरह से रीडिंग करेंगे। नेक्स्ट टाइम हम इससे आगे का स्टार्ट करेंगे। हैव अ नाइस डे।